नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़, मैं स्वाति। अगली खबर है रीवा जिले से, जहां मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आम्बी पुल के पास युवक से लिफ्ट मांगने के बहाने चाकू की नोक पर लूट करने वाले आरोपी को मनगवा पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के पास से लूट की गई बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। युवक से लिफ्ट मांगने के बहाने चाकू की नोक पर लूट करने की पूरी घटना मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आम्बी पुल के पास की है। दरअसल रोहित रावर निवासी मुड़ियार थाना बैकुंठपुर किसी काम से मनगवा आया हुआ था। युवक को अकेला देख आरोपी ने बाइक सवार युवक से लिफ्ट मांगी। युवक ने गाड़ी रोक उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही सुनसान जगह आरोपी युवक को दिखी तो अचानक आरोपी ने युवक को चाकू लगाकर गाड़ी रोकने की बात कही। डरा सहमा हुआ युवक ने गाड़ी रोक दी, जिसके बाद आरोपी ने युवक से चाकू दिखाते हुए युवक की गाड़ी और मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गया। पूरे घटना की सूचना युवक ने मनगवा थाना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर चंद घंटों के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर मनगवा थाना प्रभारी जयप्रकाश पटेल ने बताया कि शिकायतकर्ता रोहित रावत ने थाने आकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर मामले की जाँच में जुटी हुई थी, जिसके बाद साइबर सेल की मदद से आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारे मनगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी जो है रोहित रावत नाम का लड़का है, ये मुड़ियारी सतनी बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। वो अपनी बाइक से जो है मनगवा क्षेत्र में आ रहा था, उसी समय एक लड़का मिला उसे, एक अज्ञात आरोपी। उसने उससे लिफ्ट लेने के बहाने उसकी गाड़ी में बैठ गया और थोड़ी देर बाद जैसे आंबी के ब्रिज के पास वो पहुंचा तो उसने गाड़ी रुकवाया और अपने पास से चाकू निकाला और उसको चाकू के दम पर डरा धमका कर उसकी मोटरसाइकिल और उसके पास से एक मोबाइल, ये दोनों लूट करके और वहाँ से फरार हो गया। आरोपी का क्या नाम है सर? आरोपी का नाम है बिपिन रावत। तो जैसे ही हमको उस घटना की सूचना मिली, तत्काल हमने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और उसका उसने टीम हम गठित किया और हमने साइबर सेल और अन्य माध्यमों से उसकी घेराबंदी किया और 2-3 घंटे के अंदर ही हमने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से जो लूटा गया मोबाइल और मोटरसाइकिल दोनों हमने बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके हमने न्यायालय उसको पेश किया है। धन्यवाद सर।